खोरीमहुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह शुक्रवार के दोपहर गांवा प्रखंड के आधा दर्जन जनवितरण प्रणाली दुकान पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। प्रखंड अंतर्गत सांख, बगदेडी, नगवा एवं मालडा के जनवितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान SDM ने जनवितरण प्रणाली दुकानों में स्टॉक अनाज, वजन, बोर्ड, रजिस्टर एवं लाभुकों के कार्ड का अवलोकन किया। इन्होंने लाभुकों से अनाज वितरण में कटौती और मार्च के बाद नियमित एवं निःशुल्क वितरित अनाज से संबंधित जानकारी ली। इन्होंने डीलर द्वारा लाभुकों के बीच वितरित किए गए अनाज का मापतौल भी करवाया और बाद में मालडा के पांडेडीह मुसहरी में कार्डधारियों के घर जाकर बातचीत की। निरीक्षण के दौरान नगमा और सांख में एक एक जनवितरण प्रणाली दुकान बंद पाई गई। इस बाबत SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान दो दुकानें बिना सूचना के बंद पाई गई, जिससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। वहीं निरीक्षण के दौरान तय से अधिक दाम में केरोसिन तेल बेचने व अनाज कटौती करने का मामला सामने आया। जांच के बाद संबंधित डीलरों पर कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए फटाफट बोला कि आदमी तो यहाँ कोई नहीं है, लेने वाला है कोई लेने वाला? दुकान का 5x17 चलो हम रहेंगे सामने। एक बार पैसा तो मिलता है।